ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन का मैरिड वुमेन से अफेयर है तो उस चीज़ का बैड इफेक्ट क्या है, यानी कि उस पर्सन की लाइफ पे इफेक्ट क्या है जिसका अफेयर चल रहा है। नॉट इट, तो आपको पता होगा कि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में, यानी कि जोसेफ सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। नॉट इट, यानी कि अब अडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट है। नॉट इट, तो साइड इफेक्ट ये है कि सपोज एक स्पाउस है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, नॉट इट, और वाइफ का किसी पर्सन से अफेयर चल रहा है, नॉट इट, और यही बात हस्बैंड को पता चलती है, यानी कि जो वाइफ है उसके हस्बैंड को पता चलती है कि मेरी वाइफ का किसी थर्ड पर्सन से अफेयर चल रहा है, और वो इस बात को लेकर सुसाइड कर लेता है। नॉट इट, अगर वो सुसाइड कर लेता है इस बात को लेके, तो जो अडल्ट्रस पार्टनर है, यानी कि जो वाइफ का बॉयफ्रेंड है जिससे अफेयर चल रहा है, उसको अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए पनिश किया जाएगा। यानी कि इस चीज़ को लेके अगर हस्बैंड सुसाइड कर लेता है तो अडल्ट्रस पार्टनर को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत पनिश किया जाएगा। गॉट इट, तो यही इसका बैड इफेक्ट है। I hope it is clear now the bad effect of adultery. So be aware from such type of conditions and situations. I will see you in the next video. Bye.